नमस्कार दर्शकों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव पर सबकी नज़र थी। ये चुनाव ही प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला है। क्या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी या फिर बीजेपी बनी रहेगी? बहरहाल इस उपचुनाव में क्या कहती है ज्योतिषीय गणना, आइए आप भी जानिए। ज्योतिष विज्ञान हर घटना और स्थिति पर अपनी मजबूत पकड़ रखता है। आने वाले समय में ग्रह दशाओं के आधार पर किसके सितारे चमकेंगे और किस पर यह समय भारी होगा, ये तमाम बातें ज्योतिषीय गणना में निहित होती हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक कई ग्रह दशाएँ असर डालेंगी। स्पष्ट है कि ग्रह दशाएँ जब प्रसन्न होती हैं तो वह सुख देती हैं, और कुछ ऐसी भी स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। विशेष रूप से चंद्रमा, गुरु, शनि और राहु, ये चार वे प्रमुख ग्रह होते हैं जो राजसत्ता या राजयोग बनाने बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज जब उपचुनाव की मतदान प्रतिक्रिया हुई तब चंद्रमा स्थिर राशि में रहा। इस लिहाज से जनता जिसका चुनाव करेगी उसके जहन में स्थिर सरकार की सोच होगी। ज्योतिष आचार्यों की माने तो आज चंद्रमा वृष राशि में, गुरु धनु राशि में, शनि मकर राशि में और राहु वृषभ राशि में है। ये तमाम ग्रह दशाएं भविष्य में अच्छे राजयोग की ओर इशारा करती हैं। चूंकि चंद्रमा सुख का दायक है और वह स्थिर राशि में है, इस लिहाज से जनता ने स्थिर सरकार के लिए ही वोट दिया है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के मुखिया की ग्रह दशाएं भी इस चुनाव में अपना विशेष असर डालेंगी। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मकर लग्न की कुंडली है। शनि की दशा भले ही शुभ हो लेकिन शनि की साढ़े साती भी उन पर चल रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ग्रह दशाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले बेहद मजबूत हैं। ज्योतिषीय गणना कहती है कि उन्हें संतोषजनक सफलता जरूर मिल सकती है। तो दर्शकों, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर ये थी ज्योतिषीय गणना। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस का अपडेट तुरंत मिल सके। नेक्स्ट नाइन स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।